वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सेवन्थ के मैथ्स की, जिसका आपका चैप्टर थ्री चल रहा था। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। हम देखते हैं इसका 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोस। ओके, ये मार्क्स दिए गए 90, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 12। ये आपके मैथ्स का एक टेस्ट हुआ है। ठीक है, मैथ्स के एग्ज़ाम में 25 में से ये मार्क्स मिले हैं। ओके, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा से आपको मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना। ओके, एंड आर द सेम, और ये भी पूछा है कि क्या ये सेम है। ओके, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बुक में लिखा होगा। गणित की एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित थे। ठीक है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए और क्या ये समान है। ओके, तो पहले आया है वर्ड आपका बहुलक और माध्यक, मतलब मोड और मीडियन। तो हम समझ लेते हैं पहले मोड और मीडियन होता है क्या है। तो हम देखते हैं पहले मोड और मीडियन क्या होता है। मोड, मोड किसी भी नंबर्स का क्या होता है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है मोड में कि जो भी नंबर्स है वो मोर टाइम हो, मतलब जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होता है आपका मोड। जैसे कि यहाँ लिखा, मैंने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये लिखा है 1, ये किसी को नंबर आए होंगे। ठीक है, 1 आए होगा, किसी को 2, 5, 9, फिर एक और को 9 आ गया होगा, एक और को 6 आया होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन आया है, 9, मतलब दो बच्चों को 9 मार्क्स आए, तो आपका मोड क्या हो जाएगा, 9। ओके, ठीक है, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है आपका मोड। ऐसे ही मीडियन, मीडियन मीडियन क्या होता है आपका, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5। मीडियन मीन्स होता है आपका बीच वाली नंबर। ठीक है, मध्य की नंबर, माध्यक बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी वाले के लिए ये माध्यक या मध्य का। ओके, तो इधर से भी 2 नंबर बच रहे हैं, इधर से काउंट करो तब भी 2 नंबर, और बीच में क्या आ रहा है ये 3, तो यही इसका क्या हो जाता है मीडियन। या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे निकाल सकते हैं इसको, फॉर्मूला से, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। मीडियन निकालने से के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है। अब ये काउंट करने पर कितना आया आपका n, 5 नंबर, कितनी है ये आपकी 5, और ये 5 क्या है आपका ऑड नंबर। यदि ऑड नंबर आया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, ये वाला। ठीक है, n प्लस 1/2th। ओके, ऑड नंबर वाला आप ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ओके, तो सबसे पहले डाटा को क्या करना है आपको, अरेंज करना है। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले सबसे छोटी नंबर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है आपका, छोटे से बड़ा, आरोही क्रम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना कि सबसे पहले आपको लिखना है कि आरोही क्रम में रखने पर। ओके, तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है देखते हैं इसमें हम, 5, फिर है आपका 9, फिर है आपका 10, फिर है आपका 12, फिर है आपका 15, फिर है आपका 16, फिर है आपका 19, 19 के बाद 21, 2, 3, 4। ओके, 20 के बाद है आपका 23। ठीक है, 24, 25, 1, 2। यो, अब हम क्या निकाल देंगे, सबसे पहले मोड निकाल देंगे इस डाटा से।
मोड में आपको देखना है कि जो ज़्यादा बार आया है, जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है जिस नंबर की, वो क्या होगा आपका मोड। 1 2 3, ये तो 1 1 टाइम ही है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन आया है आपका? 20। ठीक है, तो 20 ही आपका क्या हो जाएगा मोड। ओके, और आप यहाँ लिख सकते हैं इट ऑक्यर्स द मोर टाइम। ठीक है, ये लिख सकते हैं, एंड हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 20 आया है। ओके, निम्नलिखित आंकड़ों में सबसे ज़्यादा 20 आया है। ओके, अब हम निकाल देते हैं मीडियन। ओके, तो मीडियन आप या तो फॉर्मूले से निकालो, जैसे आपको बताया था कि ये तो 15 नंबर हो रही है, तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ओड आ रहा है काउंट करने पे, तो हम पहले ये निकाल देते हैं। एन इक्वल्स टू, पहले काउंट करना है, 15 था, 15 क्या है आपका ओड नंबर, आपको पहले काउंट करना है, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो मीडियन इक्वल्स टू, तो हम मीडियन देखते हैं, एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच टर्म। ओके, तो एन की वैल्यू है आपकी 15, 15 प्लस 1 अपॉन 2a टी एच टर्म, हिंदी वाले लिख सकते टी एच मीन्स वापस। ठीक है, 15 और 1 कितना हो गया आपका 16 अपॉन 2, ये कंटिन्यू चलेगा आपको, 2 एट जा 16, एट्थ टर्म, एट्थ टर्म कौन सी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ टर्म क्या हो गई आपकी 20। ओके, मीडियन कितना आ गया आपका 20, मीडियन भी 20 एंड मोड भी 20। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था क्या ये सेम है, समान है, तो आप लिख सकते क्वेश्चन में यस आर दे सेम। ओके, या दे आर सेम, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, और हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं हाँ बहुलक तथा माध्यक समान होंगे। ओके, इसी तरह से आपको सारे ये क्वेश्चन करने हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में मीन और आपको सॉरी मोड और मीडियन पूछा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है और रिप्लाई देना है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 ये सारे आपको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।